जी मैम, सबसे पहले आप ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, फिर मेरे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपसे पूछ लूंगा। टाटा का इंटरव्यू मेरा दिल्ली में था। ओके। और 10 सुबह 10 बजे बुलाए थे, कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बिठाया गया था, फिर अप्रोक्स 1 आवर बाद सबका इंटरव्यू के लिए जाना था सबको, फिर okay. उसके बाद 3 पैनल थे। ओके। माइन इंटरव्यू वाज एट द लास्ट। ओके। आई वाज द लास्ट कैंडिडेट। या ओके। देन 3 पैनल में सबको वेटिंग चल रहा था। फर्स्ट पैनल में जब मैं गई तो एक सर थे एक मैम थी। इन ईच पैनल देयर वर 2 फैकल्टीज। सो ही आस्क्ड मी टेल मी समथिंग अबाउट यू। ओके। देयर वाज एन इंग्लिश पैनल, मतलब वो अलग से सिर्फ इंग्लिश पैनल था। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश पैनल, एचआर यू कैन से नो, दे आर आस्किंग टेक्निकल एज वेल एज। ओके ओके ओके। या मतलब एचआर, इट्स लाइक दे डोंट हैव सेपरेट एचआर और टेक्निकल पैनल, दे वर आस्किंग बोथ। मतलब आपका एक ही इंटरव्यू हुआ ना टोटल 3 पैनल में? हाँ। मतलब 3 पैनल मतलब 3 लोग थे ना? 6 लोग। हाँ, हेलो। अच्छा है क्या? 2, 2, 2, 4, 6। हाँ। अच्छा, मतलब मतलब कि 3 कैटेगरी में हुआ, मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो पहला हुआ जिसमें कि दो लोग थे, ठीक है। या तो फिर वो टेक्निकल आपसे पूछ रहे थे। पहले दे आस्क टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, देन दे आस्क मेनी क्वेश्चंस अबाउट माय प्रोजेक्ट, देन दे केम ऑन टेक्निकल, देन दे आस्क व्हाई यू चूज मैकेनिकल ब्रांच, देन दे सेड दैट इफ यू हैव अ डिबेट ऑन मैकेनिकल इन इलेक्ट्रिकल व्हाट विल यू चूज, एंड देन दे आस्क मी टू टेल अबाउट द प्रो एंड कॉन्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट्स व्हाई। या then they asked me the practical application of the mechanical engineering inside this room, then okay. I turned around and said yeah, this AC and this is this. Okay. And said the working of AC. Okay. After this they asked many question about my project, then they just left. So minimum 15 minutes. Okay. According time. To you, how was your interview? I think it was okay, like they out of 10? Whatever they asked, 7. Okay. उन लोग से आपको बात करते हुए ऐसा कुछ हुआ कि देवर मतलब पार्शियलिटी कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग मतलब इल्जाम लगा रहे हैं उनपे कि पार्शियल थे, पहले से फिक्स था, तो डू यू थिंक मतलब आपको कुछ ऐसा फील हुआ? नो, बट आई थिंक दे कुड हैव आस्क्ड सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मतलब वो आप लोग से बहुत इजी पूछ रहे थे, नॉर्मल जेन्युइन क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं ना हुआ कि मतलब कि पार्शियलिटी है या कुछ भी नहीं? I told you na, like thing I have expected much more tough question, but they were asking genuine, that's why I can't say like they were partial or not. But itne log the total wahan pe aap jab gaye the to wahan pe like 100 emblem hotel mein hi hua tha aapka? Yeah, more than 100 I think, more than 100 na? Yeah. Okay. Aur matlab 2 din hua tha, to aapko 15th ko tha ya 16th ko? 16th. Okay, the second day na? Yeah. ओके okay. और जैसे कि उन लोगों ने जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, तो मतलब एक तो 15 मिनट्स का चला, उसके बाद भी हुआ कुछ? हाँ, फिर 3 पैनल थे ना। अच्छा। एवरी पैनल हैज टेकन 15 मिनट्स और 15 और टोटल 45 मिनट्स। या काइंड ऑफ 15-10, लाइक मिनिमम 10 बट 15 मिनट्स। सो एज यू हैव सीन माय वीडियो, फीडबैक वीडियो फ्रॉम द एम्ब्लेम होटल, तो उसमें एक बंदे ने कहा कि देयर वर नो टेक्निकल क्वेश्चंस टू मी बिकॉज दे वर नॉट फ्रॉम माय ब्रांच, तो ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ बिल्कुल भी? काइंड ऑफ, बट फर्स्ट जो पैनल था, फर्स्ट पैनल दे डिडंट आस्क द प्योर टेक्निकल क्वेश्चन, बट दे हैव आस्क द वर्किंग ऑफ एसी एंड ऑल, बट नॉट प्योर टेक्निकल। ओके। और आपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे कि कब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, या हम लोग को कॉल लेटर कब आएगा? No, I didn't ask that. But yeah, at the last when we all were going in the same lift, okay. then I have asked ki matlab iske baad bhi interview ka letter aa sakta hai. Okay. Then he denied, just ki matlab koi chance nahi, kisi ka bhi nahi. Matlab ab aur call nahi kiye jayenge interview ke liye at least. Yes. Okay. He denied. Okay. Aur aap project se thi, matlab aapne project le diya tha na? I don't know about that project है या फिर operation है, operation है, but he just said कि अब इसके बाद कोई interview नहीं होगा, that's all. Okay okay. और जैसे कि आपका exam कैसा गया था, written exam? I just answered approx all the questions. All the questions and you think you were correct?
in every question. Yeah, they were like reasoning questions and maths question were easy, so okay. I do manage them. तो उन्होंने मतलब कि एक बंदे ने कहा कि नहीं बंदे नहीं सॉरी जो हमारे फ्रेंड थे वो जब गए तो उन्होंने बोला कि सर बहुत लोगों के एग्जाम अच्छा गया है लेकिन फिर भी उन्हें कॉल नहीं किया गया. तो उन्होंने कहा कि जो कट ऑफ है इट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 100%. तो आपको क्या ये बात सही लगती है आपके हिसाब से? आई थिंक दिस इज ट्रू बिकॉज आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन एंड आई थिंक दे वर ऑल करेक्ट. ओके ओके मोस्टली. ओके ओके. तो मतलब कि जैसे कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोग का रेस्पॉन्स कैसा था? आपने बात वगैरह की थी तो मतलब कि सबका सेम टाइप से रेस्पॉन्स था या कुछ लोग रूठे हुए थे या कुछ लोग बहुत खुश थे ऐसा कुछ? क्योंकि no. सबसे बड़ा बात है ना यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. अभी तक हम लोग कोई भी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं मतलब पूरा कॉन्ट्रेडिक्टरी. तो आपको तो ऐसा बिल्कुल आई थिंक ये सब चीज जो भी है रिजल्ट के बाद पता चल जाएगी सबको. ओके okay. लेकिन फिर भी इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं ना है जैसे कि ऑपरेशंस को एक भी कॉल नहीं आया है. तो जैसा कि हम लोग ने बात भी किया एचआर वगैरह से तो बोला कि ऑपरेशंस को कॉल आएगा प्रोजेक्ट को लगभग मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि लगभग कॉल आने नहीं वाला है तो उन्होंने ऐसा कहा. तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऑपरेशन को कॉल आए. तो वही चीज है उन्होंने बोला है कि आएगा. मैंने जो कॉल किया था तो मैंने अपने ईपी के लिए किया था प्रोजेक्ट. हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ तो मैंने जो सर से पूछा था तो मे बी उनको कोई आइडिया ना हो या फिर आई डोंट नो अबाउट दिस. एंड जो सेकंड पैनल था ही वाज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ही आस्क्ड मी वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस. ओके तो बहुत जो ब्रांचेस थे मतलब कि ये जो फिक्स थे ना पैनल. थर्ड पैनल वाज आल्सो आस्क्ड मी वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस डीप टेक्निकल नॉट. अच्छा तीन पैनल रखने का उनका मतलब आपको सेंस समझ में आया जब आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट में भी टेक्निकल लास्ट में भी टेक्निकल. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होता है जैसे कि हम लोग को ज्यादा परसेप्शन है कि दो राउंड होते हैं एक होता है एचआर राउंड एक टेक्निकल राउंड. तो आप तीन बोल रही हैं. हाँ ठीक है तीन थे पैनल. मैंने किसी से बात किया था तो शी सेड कि उसका जो सेकंड पैनल है वो एचआर जैसा ट्रीट किया उसको. ओके ओके. दे डिडंट आस्क टेक्निकल. ठीक है सेकंड पैनल बट इन माय केस फर्स्ट पैनल डिडंट आस्क मी द लॉजिकली टेक्निकल क्वेश्चन बट रेस्ट ऑफ टू आस्क्ड. ओके सो इट मे बी डिपेंड देम. क्वेश्चंस जो थे वो मतलब आपने बोला कि बहुत इजियर लेवल के थे और yes. आपके पास्ट वर्क से पूछा गया या मोस्ट ऑफ द टाइम जो मतलब कि आपका मतलब सोच जानने की कोशिश की या मतलब आपके वर्क जो थे जैसे आपने कहा कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए. तो अगर मान लीजिए ऑपरेशंस का भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उनको आप क्या yes. सलाह देना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली आई थिंक कि जिनका इंटरव्यू होने वाला है तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि होप कर सकते हैं कि कॉल आए कॉल लेटर का मेल आए क्योंकि आई डोंट थिंक कि अब आने वाला है. ओके मतलब कि आप लोग को कुछ भी नहीं बताया गया कि मतलब कितने लोगों की जरूरत है कितने सेलेक्ट किए जाएंगे? कुछ भी नहीं. नो. ओके अच्छा उतने देर आप वेट किए तो कुछ भी इन्फो मतलब उड़ते हुए रूमर के फॉर्म में कुछ भी नहीं आया? नहीं कुछ इन्फो नहीं आया बस यही था कि कोई स्ट्रिक्ट हो रहा था कि और कोई नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा था. ओके ओके ठीक है. तो और जो आप जैसे कि हम लोग को स्कूल में ही आदत है कि जब हम लोग का वाइवा होता था तो जो भी मतलब अपना वाइवा दे के आता था हम लोग उस पर झपट्टा मार के पूछते थे क्या पूछा गया. तो आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा तो आपको क्या सिमिलर क्वेश्चंस मिले या नहीं मिले? नहीं मुझे नहीं मिले बट आयरन कार्बन डायग्राम ओके दैट वाज द हाइलाइटेड टॉपिक ऑफ दैट. अच्छा मतलब सब लोग बोल रहे थे कि ये पूछा जा रहा. यस लास्ट पैनल में मेरे से भी आयरन कार्बन डायग्राम पूछा गया था बट ये आस्क मी डीप क्वेश्चन सो मतलब जिसका अच्छे से पढ़ा होगा वही कैन आंसर दैट. अच्छा हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात हुआ कि वो मतलब कुछ मतलब हाँ बट एक चीज अनाउंस हुई थी कि AET की ज्वाइनिंग के बाद भी लाइक आप ट्रेनिंग करेंगे 2 इयर्स उसके बाद भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाए परमानेंट जॉब. ओके मतलब कि ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है लेकिन कुछ मतलब कैसे मिलेगा अगर मिलेगा तो मतलब आप अच्छा करेंगे? वैकेंसी नो और डिपेंड्स ऑन वैकेंसी. ओके वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि उतना वैकेंसी रहा तब आपको वो लेंगे. या ओके ओके तो इस सारा ज्वाइनिंग तो जमशेदपुर में ही होगा ना? नहीं उड़ीसा में भी हो सकता है. ओके ऐसा कुछ उन्होंने बोला वगैरह नहीं? हाँ नहीं. ओके और आपका जो फ्रेंड थी एक जमशेदपुर में हुआ और आपको किसी नॉलेज है कि किसी का मुंबई में या फिर कोलकाता या भुवनेश्वर में हुआ हो इंटरव्यू? नो नो नहीं ना बाकी रिजेक्शन मेल्स तो आ गए हैं अब.
हाँ रिजेक्शन मेल तो नहीं, लेकिन बहुत लोग को नहीं भी आया ना, जैसे ऑपरेशंस वालों में किसी को रिजेक्शन मेल नहीं आया हुआ अभी तक, तो वो लोग शायद वेट कर रहे हैं। मतलब आपका ये जो होता है ना आईडी है ना, शायद AEP करके स्टार्ट होता है, तो हाँ उसी में पता चल जाता है कि किसका प्रोजेक्ट है और किसका ऑपरेशन है। ठीक है, तो अभी मोस्ट ऑफ जितने भी हमको फॉरवर्ड्स मिले हैं तो वो प्रोजेक्ट के ही थे, तो ऑपरेशंस के लिए सर ने भी बोला कि वेट करो वेट करो, बोले थे कि विद इन 1 वीक आ जाएंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी मतलब कि अप्रैल के एंड में आ जाएंगे, तो ये तो लास्ट वीक अब जाने ही वाला है, तो वेट ही लेट्स करो। सी क्या होता है. इट्स लाइक बहुत अच्छा ही रोमांचक टाइप्स हो गया. हाँ, बहुत ज्यादा एवरीवन मतलब, इज टॉकिंग अबाउट इट. हाँ हाँ बहुत ज्यादा। कीप दिस थिंग इन माइंड एज अ काइंड ऑफ स्लोगन दैट यू शुड इंटरेक्ट विद द इंटरव्यूअर. डू नॉट गिव स्पीचेस, दे डोंट लाइक इट. सो क्यों? बिकॉज आई जस्ट हैव अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो ट्राई टू इंटरेक्ट ओनली. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.